नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त आयतन आजा इंस्पायर टू हिंदी से, और आज हम बात करने वाले हैं ऑनर 20i स्मार्टफोन के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग के साथ। इसका जो ऑफिशियल बॉक्स है, इसके अंदर आपको स्मार्टफोन मिलता है। बैक पे स्मजेस बहुत तेजी से आ जाते हैं। इसके अलावा बॉक्स के अंदर सबसे पहली चीज जो आपको मिलती है, वो मिलती है क्विक स्टार्ट गाइड। आपको मिलता है टीपीयू कवर, जो कि समय के साथ पीला हो जाएगा क्योंकि एक सिलिकॉन केस वाला टीपीयू कवर है। इसके अलावा आपको इसके लिए 5 वोल्ट 2 एम्पीयर का चार्जर मिलता है बॉक्स के अंदर, और आपको मिलता है इसके लिए माइक्रो यूएसबी स्टाइल केबल, बिकॉज इन्होंने यूएसबी टाइप सी पोर्ट नहीं दिया है। वारंटी कार्ड मिलता है अंदर, सिम ट्रे इजेक्टर टूल मिलता है। और आइए अब इसके बिल्डर डिजाइन के बारे में बात करते हैं। बैक पे मस्त इन्होंने फिनिश दे रखी है। प्लास्टिक बॉडी है, बट इन्होंने ग्लास टाइप की फिनिश दे रखी है, तो स्मजेस और स्क्रैचेस बड़ी तेजी से आ जाते हैं। बैक पे फिंगरप्रिंट सेंसर है, ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल है, और एक ड्यूअल टोन LED फ्लैश भी है। राइट हैंड साइड पे इसके पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर है। बॉटम पे 3.5mm जैक है, माइक्रो USB पोर्ट और स्पीकर ग्रिल है माइक्रोफोन होल के साथ। राइट हैंड साइड पे आप ध्यान से देखेंगे तो पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर के अलावा आप देख सकते हैं कि कैमरा बम्प जो है थोड़ा सा उठा हुआ है, और उसको देखने पे ऐसा लगता है कि जब आप उसको फ्लैट रखेंगे तो रॉक करेगा किसी भी सरफेस पे। इसके अलावा जो इसकी सिम ट्रे स्लॉट है वो हाइब्रिड वाली है, बट ड्यूअल सिम और ड्यूअल वोल्टी को ही सपोर्ट करता है। और इसके जो डिस्प्ले है वो 6.21 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले है, IPS LCD 19.5:9। चिन जो है वो थोड़ी सी बड़ी है इस प्राइस रेंज के अन्य फोन्स के मुकाबले। आइए अब इसके स्पेसिफिकेशंस वगैरह के बारे में बात करते हैं। तो 710 चिपसेट के साथ ही आता है, जो कि एक मिड रेंज चिपसेट है। 128GB वाला मॉड्यूल हमने टेस्ट किया था, और इसमें 4GB रैम थी, जिसमें से आपको 3.6GB अवेलेबल मिलती है। USB OTG को सपोर्ट करता है, NFC सपोर्ट इसमें नहीं है। सेंसर्स की बात की जाए तो इसमें वो सारे सेंसर्स दिए गए हैं जो कि एक बढ़िया स्मार्टफोन एक्सपीरियंस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। एक चीज मुझे बेकार ये लगी कि इसमें 2.5D कर्व ग्लास नहीं दिया हुआ है। इसके अलावा इसमें वाइड वाइन L1 का सपोर्ट नहीं है। वाइड वाइन जो है ये L3 लेवल पे, और पता नहीं ये लोग OTA के साथ इसको फिक्स करेंगे कि नहीं करेंगे, इस पर भी कोई वर्ड नहीं दिया इन्होंने ऑफिशियल। ये EMUI के साथ आता है, एंड्रॉइड 9 पाई पे बेस्ड, और इसके लिए अपडेट्स आएंगे कि नहीं भविष्य में ये भी अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि हुआवे की ट्रंप भैया ने बजा रखी है अभी वर्ल्ड वाइड। और इसके अलावा इसके अंदर स्मार्ट रेजोल्यूशन फीचर आता है, जिसकी मदद से ये फुल HD+ और HD+ के बीच में झूलता रहता है, ताकि आपकी बैटरी लाइफ जो है वो बची रहे। तो ये एक फीचर मुझे इसका काफी हद तक बढ़िया लगा। इसके अलावा इसके अंदर राइड मोड करके एक फीचर है, और भी बहुत सारे अन्य प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स हैं, पर उनको आप हटा सकते हैं। तो एक इसका प्लस पॉइंट है कि कोई भी ऐप ऐसा नहीं है जो एकदम ही उसमें टिका हुआ है। बेंचमार्क परफॉर्मेंस की बात करें तो क्रिन 710 जो है वो एक ठीक ठाक मिड रेंज चिपसेट है, उतना भी ज्यादा हेवीली परफॉर्म नहीं करता ये। और इसके अंदर कैमरा टू API का जो सपोर्ट है वो लिमिटेड लेवल का है, तो आप GCam इसमें अलग से बहुत ही मुश्किल से डाल पाएंगे अगर कोई बहुत ही अच्छा डेवलपर होगा तो। और इसके अलावा अगर बेंचमार्क परफॉर्मेंस की बात करें तो इसी प्राइस रेंज में आपको स्नैपड्रैगन 675 वाले फोन्स भी मिल जाएंगे, जो इससे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो उस मामले में थोड़ा पीछे है। स्टोरेज की रीड राइट स्पीड की बात की जाए तो वो भी एवरेज ही है, एवरेज से मतलब थोड़ा सा तो ऊपर है, पर उतनी ज़्यादा स्पीड वाली स्टोरेज नहीं है जितनी कि UFS स्टोरेज होती है। गेमिंग परफॉर्मेंस की बात की जाए तो वैसे तो PUBG में लिखा आता है कि आप उसको मीडियम सेटिंग्स पर चला सकते हैं, बट अगर आप HD और हाई FPS भी करेंगे तो भी इस पर गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, बिकॉज इसमें GPU टर्बो दिया हुआ है। तो आप HD और हाई पे करके भी खेलेंगे बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक, जैसे कि मैंने खेला, तो आप ये नोटिस करेंगे कि गेम प्ले में कहीं पर भी स्टटर या लैग नहीं है। तो वो एक बहुत ही बढ़िया चीज़ लगी मुझे ऑनर के स्मार्टफोन की, कि बिकॉज इन्होंने GPU टर्बो पे और उन सब चीज़ों पे फोकस दिया हुआ है, तो गेमिंग में कहीं पे भी लैग वगैरह नहीं नजर आता। बहुत देर तक गेम खेलने के बाद फोन जरूर गर्म हो जाता है, 40 डिग्रीज के अराउंड इसका टेम्परेचर हो गया था, और मैं एक टेम्परेचर कंट्रोल्ड एनवायरमेंट पे था जहां पे 30 डिग्री तक का टेम्परेचर जो था मेंटेन था AC द्वारा, पर वहां पे भी ये 40 डिग्री तक गर्म हो गया। काफ़ी ज़्यादा लोगों को ढूंढा और संहार किया उनका पबजी में, और उसके बाद ऐसा हो गया कि फ़ोन का जो बैक था वो 43.7 डिग्रीज तक पहुंच गया, और इस टेम्परेचर पे थोड़ा सा मतलब अनकंफर्टेबल हो जाता है। और अगर मैं थोड़ा और अगर बाहर गर्मी में होता तो शायद से ये फ़ोन और ज़्यादा गर्म हो जाता। ग्रैंड थेफ्ट ऑटो सैन एंड्रियास जैसी गेम को भी आप हाई सेटिंग्स पर आराम से इस पर खेल सकते हैं। और आइए अब इसके कैमरा के बारे में बात करते हैं। तो 24 मेगापिक्सल के F1.8 अपर्चर वाले मेन कैमरा सेंसर के साथ आता है। 8 मेगापिक्सल का इसमें अल्ट्रा वाइड सेंसर है, 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर है, और सामने जो सेल्फी कैमरा दे रखा है वो 32 मेगापिक्सल का है F2.0 अपर्चर वाला। 1080p वीडियोज सपोर्ट करता है 60fps तक। लो लाइट परफॉर्मेंस को अभी और मेहनत की जरूरत है। और इसके अलावा इसके अंदर जो पोर्ट्रेट मोड दे रखा है उसमें जो अभी स्टेज लाइटिंग वाले ऑप्शंस हैं उनको भी थोड़े और फिक्सिंग की जरूरत है, क्योंकि उसमें उतनी ज्यादा बढ़िया फोटोज नहीं आई। लो लाइट में जितनी भी मैंने फोटोज दी थी उनमें थोड़ा थोड़ा मुझे नॉइज दिखाई दे रहा था। और उसके अलावा जैसे जो कलर साइंस है वो
अगर आप AI मोड को इनेबल कर देंगे तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि जिन पकोड़ों की फोटो मैंने बाहर जाके ली थी वो पकोड़े थोड़े और ऑरेंजिश कलर के थे, पर वो थोड़े से वॉश्ड आउट लग रहे थे, तो एक्सपोजर के साथ थोड़ी सी दिक्कत है। सेल्फी कैमरा काफ़ी बढ़िया लगा, बट वही है कि जब आप पोर्ट्रेट मोड इनेबल करते हैं तो उसमें जो एजेस हैं वो थोड़े ज़्यादा ब्लर्ड आउट हो जाते हैं, तो उसमें इन्हें थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। मतलब ऑल इन ऑल इस प्राइस रेंज में कुछ ऐसे फ़ोन उपलब्ध हैं जिनका कैमरा इससे बेटर है। स्टिल कैमरा में मुझे काफ़ी हद तक सही लगा, बट स्टिल इस प्राइस रेंज में आपको एक चीज़ बढ़िया मिल रही है कि इसमें अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल रहा है और वो ऑप्शन मिल रहा है कि आप एकदम अलग फील्ड ऑफ व्यू शूट कर सकते हैं। यह फ़ोन जो है 3400 mAh बैटरी के साथ आता है और इसकी बैटरी जो है आराम से इवनिंग तक लास्ट करती है अगर आप एक हैवी यूज़र है तो। इसके अंदर अभी भी माइक्रो USB पोर्ट दे रखा है, पर 10 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, तो वो एक प्लस पॉइंट है बहुत सारे यूजर्स के लिए। इसके अलावा इसमें बहुत सारी खामियां तो नहीं है, फेस अनलॉक इसका सही है, फिंगरप्रिंट अनलॉक भी सही है, दोनों बहुत ही ज़्यादा फास्ट चलते हैं। 0.64 W/kg तक की इसकी सार वैल्यू है और ओवरऑल ये फ़ोन जो है 16,000 to 19,000 की रेंज में आएगा मोस्ट प्रोबेबली, और रेट इसका कम हो सकता है। आइए अब करते हैं एक छोटा सा साउंड चेक। इस पर आप वीडियोस पूरी स्क्रीन पे देख तो सकते हैं, बट वो यूट्यूब पे ही चलता है और थर्ड पार्टी एप्स जैसे कि MX Player वगैरह उसमें वो नॉच वाले पार्ट को गायब कर देता है, तो ये जो ऑप्शन है ये और भी अन्य एप्स में देखने को मिलता है बट उसमें पर्टिकुलरली ऐसा दिखाई देता है। इसके अंदर एप्टेक्स HD ऑडियो का सपोर्ट है और जो परफॉर्मेंस वगैरह है वो भी काफ़ी हद तक सही लगी मुझे। FM रेडियो भी इसमें दे रखा है और 5 GHz वाईफाई का सपोर्ट है, जो कि इस प्राइस रेंज में कई फ़ोनों में नहीं होता है। मुझे पर्सनली ये लगता है कि ये फ़ोन उनको लेना चाहिए जिनको एक बहुत ही सुंदर सा फ़ोन चाहिए, जिनको ऑनर का जो कैमरा सेटअप है वो चाहिए पर्टिकुलरली, उनके लिए फ़ोन काफ़ी हद तक ठीक रहेगा। पर बात यही है कि 20,000 से नीचे की जो कॉम्पिटिटिव प्राइस सेगमेंट है उसमें बहुत सारे अन्य फ़ोन उपलब्ध है आज की डेट में, और आपको अपने सारे ऑप्शंस इवैल्यूएट करने चाहिए कोई भी फ़ोन लेने से पहले। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको अवश्य लाइक करें, शेयर करें, इंस्पायर्ड टू हिंदी को सब्सक्राइब करें, नीचे वो एक छोटी सी प्यारी सी घंटी है उसको श्रद्धालु होकर बजा दीजिए और हमेशा की तरह सतत निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहिए।